नमस्कार, मैं हूँ ब्रिजवाला। मैजिक रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी सा पोहे का नाश्ता। बिल्कुल कम घी और तेल में हम ये नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है और इसमें हमें ज़्यादा सामान की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। घर की कुछ अवेलेबल चीज़ों से ही हम ये नाश्ता टेस्टी सा बनाकर तैयार कर लेंगे। रेसिपी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं पोहे का टेस्टी सा चटपटा सा नाश्ता। यहाँ पर हमने एक बाउल ले ली है बड़ी सी, उसके अंदर हम डालेंगे एक बाउल पोहा और पोहे को हम पहले धोएंगे। उसके अंदर हम पानी डाल देंगे और अच्छे से हम इसको एक बार धो लेंगे। हमने पानी डालकर इसको धो लिया है। दूसरी बार हमने इसके अंदर पानी डालकर इसको 5 मिनट के लिए भिगो कर रखना है ताकि पोहे जो है बहुत ही अच्छे से फूलकर तैयार हो जाएं। हमने पोहे को 5 मिनट पानी में ऐसे ही छोड़ दिया था। पोहा जो है बहुत अच्छे से फूलकर तैयार हो चुका है। अब हम इसका सारा पानी निकाल लेंगे। पोहे में से हमने बहुत ही अच्छे से पानी निकाल लिया है और अब हमने फिर से एक मिक्सिंग बाउल ले ली है। उसके अंदर हम जो भीगे हुए पोहे हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। पोहे देखिए कितने बढ़िया से फूल गए हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज, एक हरी मिर्च को हमने बारीक काट कर इसके अंदर डाल दिया है, थोड़ा सा अदरक हमने ग्रेट करके डाला है 1 चम्मच, इससे जो है टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। हरा धनिया हमने कटा हुआ काफ़ी सारा डाल दिया है जिससे ये देखने में भी अच्छा लगेगा, खाने में भी नाश्ते का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। डालेंगे इसके अंदर कुछ सूखे मसाले, 1 चम्मच हमने इसके अंदर नमक डाल दिया है जहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी हम इसके अंदर हल्दी डाल देंगे जिससे हमारे ये नाश्ते का कलर बहुत बढ़िया आएगा और साथ में हम 1/2 चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स डाल देंगे। चिली फ्लेक्स डालना ऑप्शनल है। और अब हम इसको बहुत ही अच्छे से हाथों से मसल मसल कर गूँथ लेंगे ताकि जो पोहे है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस समय आप और भी सब्जियां जो आपके घर में अवेलेबल है वो डाल सकते हैं, जैसे कि आप इसके अंदर थोड़ी सी पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, गाजर को आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं इसके अंदर। हम इसको सिंपल वे में बना रहे हैं, घर की कुछ सामान से ही हम इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर रहे हैं और इससे भी नाश्ता जो है बहुत बढ़िया और टेस्टी बनकर तैयार होगा। हाथों से हमने बहुत ही अच्छे से पोहे को मसल कर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी डो की फॉर्म में हम आ चुका है हमारा ये पोहा। और अब हम इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए 2 चम्मच के करीब दही डालेंगे। ज़्यादा दही नहीं हम यूज़ करेंगे, 2 चम्मच ही डालेंगे। और साथ में हम डालेंगे बेसन बाइंडिंग के लिए। अगर आपके पास दही नहीं है तो इस समय आपको लगे कि आटा थोड़ा ज़्यादा हार्ड है तो आप इसके अंदर 1 चम्मच 2 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। हमने इसके अंदर 2 चम्मच हमने इसके अंदर बेसन डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसके अंदर ज़्यादा बेसन का यूज़ नहीं करना है, थोड़ा ही बेसन हम इसके अंदर डालेंगे ताकि हमारे जो पोहे को अच्छी बाइंडिंग भी मिल जाए। और बेसन डालकर हमने अच्छे से मिक्स कर देना है सारी चीज़ों को, जैसे कि हम डो लगाते हैं उसी तरीके का हमें इसको कर लेना है। अच्छे तरीके से हमें बेसन और पोहे को मिक्स कर लेना है। देख सकते हैं हमने इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डाला है और 2 चम्मच जो हमने दही डाला है उससे ही हमारा ये डो अच्छे से लग रहा है। अभी हमें थोड़ा सा डो जैसे कि ढीला लग रहा है, हम इसके अंदर 1 चम्मच बिल्कुल बेसन डालेंगे, ज़्यादा बेसन का यूज़ नहीं करेंगे, 1 चम्मच और डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने बेसन को मिला लिया है और ये हमारा डो बहुत अच्छे से बन चुका है। अब हम इसके अंदर देसी घी डालेंगे, 1 चम्मच हम देसी घी डाल रहे हैं, इससे टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा और नाश्ता बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बनेगा। घी को डालकर हमने बहुत ही अच्छे से इस डो में मिक्स कर लिया है और डो हमारा बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा तेल डालेंगे ऊपर ताकि हमारा डो जो है हाथों में चिपके नहीं। डो को हमने बहुत ही अच्छे से इकट्ठा कर लिया है, बहुत अच्छा डो बनकर तैयार है। अब हम इसका नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। डो में से हम एक पेड़ा लेंगे, इसको हम बहुत ही अच्छे से पहले रोल करेंगे, जैसे हम रोटी के लिए पेड़ा लेते हैं उसी तरीके से हमें इसको रोल कर लेना है और फिर हम इसको बढ़ाएंगे रोटी की तरह।
जिस तरीके से मैं हाथों की मदद से इसको बढ़ा रही हूँ, उंगलियों की सहायता से, जहाँ आप इसको जैसे बीच में रख कर भी इसको बड़ा कर सकते हैं। जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके से इसको थोड़ा सा हाथों से हम बड़ा कर लेंगे। और देखिए हमने एक बनाकर तैयार कर लिया है और दूसरी भी हम रोटी जैसे बनाकर तैयार कर लेंगे। साइज आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं, जैसे टिक्की की शेप देकर आप इसको बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा पतला रखेंगे वैसे तो, और हमने इस तरीके से ही सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेना है। सारे नाश्ते को बनाकर हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसको सेकने के लिए चलते हैं गैस की ओर। गैस पर हमने एक पैन रख दिया गर्म होने के लिए। उसके अंदर हम बिल्कुल कम तेल या घी डालेंगे। मैंने इसके अंदर तेल डाल दिया है, आप चाहे तो घी या बटर जो भी डालना चाहे वो डाल सकते हैं। तेल डालकर हमने अच्छे से फैला दिया है और इसके ऊपर हम एक एक करके जितने पैन के अंदर आ जाएंगे उतने ही हम डाल देंगे टिक्की को। हमने चार इसके अंदर डाल दिए हैं और बिल्कुल मीडियम और हाई फ्लेम पर हम इसको सेकेंगे और अच्छा क्रिस्पी होने तक, बहुत ही बढ़िया कलर आने तक हम इसको सेक लेंगे। पलटने से पहले हम इन सारे टिक्की के ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल लगा देंगे, डाल देंगे, ताकि जो हम पलटे तो नीचे से भी बहुत अच्छे से सिक जाएं। अब हम इसको पलट लेते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया जमी सा कलर आ गया है, बहुत अच्छा सा लग रहा है, बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको सारे नाश्ते को पलट लेंगे। हमने सारे नाश्ते को पलट लिया है, देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। दूसरी ओर से भी हम इसी तरीके का कलर आने तक, क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। अगर लगेगा थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे साइड पे, ताकि बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। ज़्यादा हमें इसमें तेल या घी की ज़रूरत नहीं है, कम तेल में बहुत ही बढ़िया और टेस्टी क्रिस्पी सा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। दूसरी ओर से भी पलट कर दिखा देते हैं नाश्ता हमारा कैसा सिका है। देखिए दूसरी ओर से भी बहुत बढ़िया से सिक कर तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। बचे हुए को भी हम इसी तरीके से सेक कर तैयार करेंगे। हमने इस नाश्ते को दही के साथ परोसा है, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बना है। तोड़कर दिखाते हैं कितना बढ़िया और अच्छा टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए जल्दी से मिलते हैं अपनी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।